हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हम लोग रीजनिंग का पांच कदम को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न को मैं कराने जा रहा हूं। एलपी टेक्नीशियन आरआर विजयी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, किस तरह का सवाल आता है एग्जाम में, उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे बहुत ही आसानी तरीका से। तो चलिए आज का सबसे पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपके पास सबसे पहला सवाल। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसा ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, एकदम आसान तरीका से हम लोग समझेंगे। देखिए प्रश्न छवि नीचे दी गई चार उत्तर छवियां हैं, यानी कि एक प्रश्न है और चार आपका क्या दिया गया है, आपका उत्तर की आकृति है और एक पूछ रहा कि ये ऐसा आकृति किस में छुपा हुआ है। ये चार तरह का आपका चित्र है, चार चित्र दर्शाया गया है, एक चित्र प्रश्न का ये है और ऐसा चित्र किस में छुपा हुआ है आप बताइए। तो ऐसा चित्र किस में छुपा हुआ, यानी कि ट्रायंगल है जी और यहाँ से आपका एक लकीर खींचा हुआ है। देखिए तो ट्रायंगल कहाँ बना, ये ट्रायंगल तो बन रहा है लेकिन उल्टा है, ये नहीं होगा। ट्रायंगल बन रहा है लेकिन उल्टा है, हमको ट्रायंगल सीधा चाहिए और एक लकीर भी बीच में रहना चाहिए। इसमें देखिए तो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें तो ट्रायंगल ही नहीं है इस तरह का। इसमें देखिए तो यहाँ पे ट्रायंगल तो बन रहा है और यहाँ पे लकीर भी है, यहाँ पे ट्रायंगल है लेकिन आपका लकीर यहाँ है, लकीर कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा चित्र संख्या थ्री, और चित्र संख्या थ्री किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं लगा देना कि चित्र संख्या थ्री तो सी ऑप्शन हो जाएगा सर, सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि सी में क्या है, चित्र संख्या वन का दिया गया है और ऑप्शन इसीलिए एग्जाम में गड़बड़ाते हैं रेलवे वाले के स्टूडेंट लोग जो नहीं पढ़ के आए हैं वो गड़बड़ा जाए, और गड़बड़ाना नहीं है। बी में क्या है, चित्र संख्या थ्री है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से आप अच्छा से प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए कलाओ का है, बहुत ही अच्छा सवाल है। जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का डिग्री छोटे कोण का मान बताइए, यानी कि डिग्री कितना बन रहा। चलिए जी एक घड़ी है, एक घड़ी है, चलिए एक घड़ी है ना, अब घड़ी बना दिए हम, तो इस तरह का 5 बज रहा है जी, 5:49 क्या हो रहा, 49 मिनट यानी कि इस तरह का बज रहा, 5:49 क्या हो रहा, 49 मिनट, ये क्या हो रहा, 5:49 हो रहे हैं। तो घंटा और मिनट के सुई के बीच का डिग्री क्या होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है क्या, तो h × 30 − 11m/2 एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। इस तरह का कोई भी सवाल पूछेगा, कितना भी बज रहा है घड़ी में वो आप बना लीजिएगा। एच माने आवर होता है जी, तो आवर क्या है आपका, 5 है, तो यहाँ पे 5 रखेंगे, गुना 30 − 11 × m, एम यानी मिनट, तो मिनट कितना है, 49 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 49 बटा में क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो ये क्या हो गया आपका, 150 − 49 में 11 से गुना कीजिएगा जी, तो कितना आ जाएगा, आप कीजिए 49 में 11 से गुना कीजिएगा तो 539 सर, कितना आ जाएगा, 539/2 हो जाएगा। अब इसको कर दिए कैलकुलेशन, ये हो जाएगा आपका 300 − 539/2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, −239/2, माइनस से हमको कोई लेना देना नहीं है, आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 119.5 डिग्री, 119.5 कहाँ है, ऑप्शन डी में है। तो देखिए ये दोनों के सुइयां के बीच का डिग्री का कोण कितना बनेगा, 119.5 डिग्री। तो इस प्रकार से इस तरह का फॉर्मूला पे आप कोई भी सवाल पूछेगा आप बना सकते हैं। यहाँ से पूछ देगा कि 10:30 पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो एच क्या रखेंगे, 10, तो 10 × 30 करेंगे जी, माइनस 30 × 11/2 करेंगे, यहाँ से 15 बार में कट जाएगा, ये क्या हो गया, 300 − 165, तो क्या आ जाएगा आपका, 135, क्या आ जाएगा, 135 डिग्री का कोण बनेगा 10:30। तो इस तरह से कोई भी सवाल अगर पूछेगा आप आराम से बना लीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, अपने नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स कॉपी में, ठीक है। h × 30 − 11m/2,
और ये हो गया आवर और ये हो गया आपका मिनट। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए शब्द का सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। हैप्पी लिखा गया है, क्या हैप्पी लिखा गया है जी, और इसका पूछ रहा है क्या सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो क्या होगा, हम बोले हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, उलट जाएगा, दाएं से क्या हो जाएगा बाएं की ओर पलट जाएगा, और जल प्रतिबिंब में क्या होगा नीचे से ऊपर की ओर पलटेगा, है ना। तो हैप्पी लिखा गया है, इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो ये उलटेगा तो y किधर आ जाएगा जी, तो फर्स्ट स्थान पे, और h क्या चल जाएगा लास्ट स्थान पे, क्या चल जाएगा h कहाँ चल जाएगा लास्ट स्थान पे, और y कहाँ आ जाएगा फर्स्ट स्थान पे, और y क्या हो जाएगा आपका इधर से इधर की ओर आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा y, इस प्रकार से बिल्कुल नहीं होगा, इधर आएगा तो इधर ऐसे ही रहेगा। ये भी देखिए ये, चलिए ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि h पहला नंबर पे नहीं होगा, h तो चल जाएगा उधर की ओर चल जाएगा। अब ये दोनों में से कौन सा सही होगा, अगर इसको पलटेंगे तो देखिए तो y ऐसे रहेगा, उसके बाद p देखिए तो p कैसे हो जाएगा, p ऐसे हो जाएगा, p इधर की ओर हो जाएगा, और a क्या हो जाएगा इस तरह से, और उसके बाद h रहेगा। अब ऐसा किसमें है, कौन सा ऑप्शन में ये है, अब बताइए, ये नहीं होगा ना, ये देखिए कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, y चल जाएगा फर्स्ट स्थान पे, उसके बाद ना बचेगा, उसके बाद p, उसके बाद p, उसके बाद a, उसके बाद आपका h, इस प्रकार हो जाएगा पलटेगा तो इस प्रकार का ऑप्शन किस में है, इस प्रकार का ऑप्शन b में है, तो b क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका सही दर्पण प्रतिबिंब हो गया। जल में पूछेगा तो नीचे से ऊपर की ओर चेंज हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपका सवाल आता है एग्जाम में, आराम से बनाइएगा, कोई गड़बड़ाने वाली बात नहीं है। ये फर्स्ट स्थान पे चल जाएगा वाई और पूरा पलट जाएगा, ये पलटेगा पूरा पलटेगा, जैसे कि आप देखिए ये आप बनाए, क्या बनाए, कोई बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम इस प्रकार से, इस प्रकार का चित्र है। अब इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो ये पलटेगा, ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा इसी प्रकार का चित्र बनेगा, लेकिन ये वाला निकला हुआ भाग इधर की ओर हो जाएगा ना, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा, कथन निष्कर्ष रेलवे में छोड़ेगा नहीं, तो चलिए पढ़िए। कुछ मेज पुस्तक है, क्या है कुछ मेज है, चलिए ये है मेज, और कुछ भाग क्या है इसका पुस्तक है, यहाँ से पुस्तक हो गया, और सभी पुस्तकें क्या है कुर्सी है, क्या है सभी पुस्तक क्या है कुर्सी है। अब बताइए निष्कर्ष, कुछ पुस्तक मेज है, कुछ पुस्तक क्या है मेज है ना जी, कुछ पुस्तक मेज है तो है सर, बिल्कुल सही है। कुछ कुर्सियां पुस्तक है, कुछ कुर्सियां पुस्तक है तो बिल्कुल है सर, कुछ कुर्सियां पुस्तक है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो कुछ का प्रयोग होगा, तो ये दोनों सही है, तो क्या होगा एक और दो दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा, एक और दो दोनों निष्कर्ष क्या कर रहा अनुसरण कर रहा, यानी कि हमारा जो कथन है उसको पर्याप्त कर रहा बनाने में। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या है बाबू देखिएगा जरा ध्यान से और पढ़िएगा। तर्क और मान्यता, तर्क दिया गया है, अब पहले पढ़िए, निम्न तर्क पे विचार करें और निर्णय लें कि दिया गया कौन सा अनुमान स्पष्ट है। तर्क जो बोल रहा है उसी पे आपको कंक्लूजन करना है कि क्या ये सही हो सकता है कि नहीं। तर्क है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि सभी बलात्कारियों को आमरण को फांसी पर लटका दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सभी बलात्कारियों को क्या करना है, फांसी पे तुरंत लटका देना है। अब मान्यता, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, ये तर्क से मान्यता ये वाला तो कोई रिलेशन नहीं कर रहा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, ये तर्क क्या है और ये मान्यता क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है जी। बलात्कार के मामले को कम किया जा सकता है, बलात्कारियों के लिए फांसी पे लटकाया जा रहा है बलात्कारियों को, और हमारा मान्यता भी है कि बलात्कारियों के मामले को कम किया जा सकता है, तो बिल्कुल फांसी पे लटकाएंगे तो बलात्कारियों का मामला कम आएगा, लोग डरेगा कि नहीं हमको बलात्कार नहीं करना है, फांसी हो जाएगा, तो ये क्या है आपका सही है, क्या होगा ये आपका सही है। तो यहाँ से देखिए केवल दो मान्यता स्पष्ट है, यानी कि केवल दूसरा मान्यता है जो सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से हो जाएगा। आराम से इस तरह का सवाल आप
लगा सकता है, बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा रीजनिंग का पांच कदम का आज का सेशन समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में, कमेंट करके बताएं हाँ सर बहुत अच्छा लगा, सुपर सर, आगे इसी तरह से कंटिन्यू कीजिए सर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर। तो अब विदा लेते हैं, थैंक यू, जय हिंद।